Hey guys, this is Shefali and welcome to another vlog. तो मैंने जैसे कि अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग गोवा में हैं और हम लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं. तो मेरे पीछे जो आप ये प्रॉपर्टी देख रहे हो, इसका नाम है डेल्टन स्वीट्स और ये वन ऑफ द फ्यू कैसीनो होटल है गोवा में. तो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ ये प्रॉपर्टी कैसी है. तो यहाँ पे है रेस्टोरेंट. इस रेस्टोरेंट का नाम है वेगस. ये एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है और यहाँ पे बाहर बैठने के लिए है, बट अभी इतनी गर्मी है इसलिए कोई बाहर बैठता नहीं है. बट अगर आप ठंडियों के टाइम में आओगे तो अच्छा लगेगा बैठने के लिए. और साथ ही में ये है पूल एरिया. तो आप जैसा देख सकते हैं कि ये पूरी प्रॉपर्टी येलो कलर की नज़र आ रही है. तो इस पूरी प्रॉपर्टी का आर्किटेक्चर पोर्चुगीज स्टाइल का है ताकि लोगों को थोड़ी ओल्ड फीलिंग आ पाए. तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है. वन ऑफ द चीपेस्ट एंड अफोर्डेबल 5-स्टार प्रॉपर्टी है ये गोवा में. तो आप जर्नली इसके प्राइस MMT में या फिर और बुकिंग साइट्स में भी चेक कर सकते हो. और जब ऑफर चल रहा होता है तो आपको 4999 तक की भी प्रॉपर्टी ये मिल जाएगी इंक्लूडिंग ब्रेकफेस्ट. और यहाँ पर रहने का सबसे बेस्ट एडवांटेज ये है कि आपको कैसीनो के लिए फ्री पिकअप एंड ड्रॉप मिलता है. और इनके दो कैसीनो हैं, डेल्टन जैक एंड डेल्टन रॉयल. तो डेल्टन रॉयल का वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है. अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं. और आने वाले वीडियो में मैं आपको डेल्टन जैक भी दिखाऊंगी. तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. और आप देख सकते हैं जैसे कि इस प्रॉपर्टी में काफ़ी सारे रूम पूल फेसिंग है. तो हमको जो रूम मिला है वो एक्चुअली है बैकयार्ड फेसिंग और उसमें बालकनी है. तो पीछे जो बैकयार्ड का व्यू है वो है उसमें. और जनरली सारे जो रूम है उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है. तो सारी प्रॉपर्टी का जो भी रेट है सारे रूम्स का वो ऑलमोस्ट सेम है. तो इस प्रॉपर्टी में स्विमिंग पूल के साथ साथ किड्स प्ले एरिया है, लेकिन वो कोरोना वायरस की वजह से अभी आजकल बंद है. साथ ही में यहाँ पे स्पा है, जिम है और एक कैसीनो भी है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक कैसीनो होटल है. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का कैसीनो. और मैंने सुना था पहले कैसीनो नहीं है, सारे कैसीनोज पानी में ही है मंडोवी रिवर में. लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे भी सरप्राइज़ हुआ कि यहाँ पे कैसीनो एक्चुअली है और होटल के अंदर ही है. तो वो मैं आपको दिखाती हूँ. तो आप देख सकते हैं इस तरफ है कैसीनो. तो मुझे कैसीनो के अंदर तो व्लॉगिंग अलाउड नहीं होगी यहाँ पे, बट मैं आपको बाहर से ही दिखाती हूँ. और यहाँ पे क्या क्या है वो सब देखिए आप. बोर्ड रूम है यहाँ पे, मीटिंग रूम है, कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे कंपनीज आती है. उसके बाद रिक्रिएशन रूम है, लाइब्रेरी भी है यहाँ पे. और सबसे पहले चलते हैं कैसीनो की तरफ. तो इस तरफ है कैसीनो और यहाँ से अंदर मैं शूट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ. तो ये है कैसीनो, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है ये. और हमको जो रूम मिला है वो है ऊपर. अगर आप लोग भी 5-स्टार में स्टे करना चाहते हो और आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि 5-स्टार प्रॉपर्टीज़ में कैसा होता है स्टे, कैसा होता है और क्या क्या एमिनिटीज़ मिलती है, क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, और अगर आपको बजट फ्रेंडली कुछ ढूंढना हो तो आप गोवा में डेल्टन स्वीट्स चेक कर सकते हो. और अब चलते हैं इनके स्पा और जिम की तरफ. तो ये है इनका वेगस रेस्टोरेंट जो मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है. और इस तरफ है इनका जिम और स्पा. तो ये है इनका स्पा. हाय, जस्ट लुकिंग अराउंड.
तो यहाँ से थी हमारी एंट्रेंस और आते ही लेफ्ट साइड में है ये किचन और इस तरफ है स्लाइडिंग वार्डरोब। तो यहाँ पे आयरन बोर्ड वगैरह दे रखा है और इस साइड क्या है हैंगर वगैरह और यहाँ पे हमने अपना बैग ऑलरेडी रख दिया है, सेफ लॉक वगैरह है यहाँ पे। उसके बाद आते ही सबसे पहले है ये सिटिंग एरिया, तो अगर काम वगैरह करना है तो वर्किंग डेस्क भी दे रखी है और फिर है टीवी, यहाँ पे है काउच, इस तरफ है फिर व्यू। आज हम लोगों को अच्छा व्यू नहीं मिल पाया क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो पूरी फुल चल रही है, वरना हमने रिक्वेस्ट किया था पूल व्यू रूम के लिए। और फिर है यहाँ से अंदर हमारा रूम, ये है एक फुल साइज मिरर, ये है बेड और यहाँ पे है बालकनी। कहाँ से खुलता है ये? तो इस तरीके से हम यहाँ पे बाहर बैठ सकते हैं, टेबल चेयर दे रखी है और पीछे तो पूरा जंगल ही है तो ऐसा कुछ खास व्यू नहीं है। फिर है वॉशरूम, तो ये यहाँ का वॉशरूम काफ़ी बड़ा है ये भी, और क्योंकि ये कैसीनो प्रॉपर्टी है मैंने जैसे आपको बताया तो यहाँ के जो पेंटिंग्स वगैरह हैं वो भी गैम्बलिंग से रिलेटेड ही है। इवन यहाँ के जो टावल हैं वो भी आप देखिए, और हेयर ड्रायर, फिर यहाँ पे भी एक वार्डरोब दे रखी है इन्होंने। तो मैं अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, केरला पराठा इज स्वीट, नो 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 ओके। थैंक यू। तो अभी मैंने लिया है इडली सांभर और ये है मेरा फिलहाल ब्रेकफास्ट। तो अब मैंने ऑर्डर किया है फ्रेंच टोस्ट, आई होप गाइज आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।